नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है शिवानी कुमारी, जो कि बिग बॉस ओटीटी 3 से बेघर हो चुकी हैं और ये शो से जुड़ी कई बातें हमसे आज साझा करेंगी। चलिए आपको मिलवाते हैं। शिवानी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को मेरा नमस्ते। शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप पूरे हिंदुस्तान की एक चहेती बिग बॉस की वन ऑफ कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिग बॉस को धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे वहां जाने का मौका मिला, और फिर मैं अपनी ऑडियंस को बोलती हूँ धन्यवाद कि इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी टीम ने जो काम किया है मेरे लिए, उसको भी शुक्रिया बोल रहे हैं। आप इतने दिन आप बिग बॉस के घर में रही हैं, तो आप अब बाहर आ चुके हैं फाइनली, तो आपको कैसा लग रहा है बाहर आकर? मतलब हर हर एक विभिन्न तरीके के लोगों के साथ रहना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बाहर निकल आए हैं, पहली बार तो उनकी बहुत ज्यादा यादें आ रही हैं। वो गाना सुबह सुबह का बहुत मिस कर रहे हैं कि कौन सा सुबह गाना? उठते ही, नहीं कौन से, नहीं गाने बजते थे ना, डांस करते थे अच्छा हम लोग जी सुबह ही सुबह। हाँ, जी तो वो मिस कर रहे हैं। और वो स्विमिंग पूल में सबसे ज्यादा मैं ही नहाती थी, और तो सब वहां डरते थे। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम। अच्छा और कुछ चीजें सीखी, कुछ लोगों को चीजें सिखाई। मैं उस गांव से थी कि मैं पहली लड़की ऐसी थी उस 16 लोगों में कि मैं ही गांव से थी, और बाद बाकी सब शहर से थे, सब इंग्लिश में बात करते थे। मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं थी, इसको भी मुद्दा बनाया गया कि इसको बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीजी का टैग दिया गया कि ये बदतमीज है, इसको अक्कल नहीं है। मतलब हर एक चीज में टारगेट किया जाता था मुझे। पर आपको पता है कि आप उन कंटेस्टेंट से ज्यादा फेमस हो चुकी हैं, हर कोई आपके परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, पता है आपको ये? जी, मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपने इतने दिन आप बिग बॉस के घर में रही, आपने क्या सीखा? कुछ तो आपको एक आदमी कुछ ना कुछ एक सीखता है कि हमने ये सीखा इस घर में। मैंने उस घर में वो सीखा है कि आवाज को लेके मेरी जो बनाया गया मुद्दा कि बहुत तेज बोलती हूँ। हाँ, मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि मैं थोड़ी तेज बात करती करती हूँ। उस चीज को मैंने सीखा कि अपनी आवाज को थोड़ा सा डाउन कर लूँ, हमेशा इतनी तेज से नहीं। किसी हर किसी को नहीं पता होता है कि शिवानी कहाँ से है, हर कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। तुम अपनी थोड़ी आवाज पे थोड़ी सी आवाज कम करो, ये मुझे लगा। आपके शो में अक्सर आपकी लड़ाई क्या बोलते हैं, पौलोमी दास के साथ नजर आई है दर्शकों को। आपने काफी कुछ चीजें जी, उनको पौलोमी को आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि घर से बाहर आने के बाद क्या दर्शक आपको क्या पॉजिटिव नजरों से देखेंगे या नेगेटिव नजरों से देखेंगे? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पॉजिटिव नजरों से ही देख रहे हैं हम, तो ऑडियंस को देख चुके हैं, सब अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरा मुद्दा उठाया कि शिवानी ने उसको गलत बोला, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया कि वो इतनी गंदी गाली क्यों दे रही थी? एक लड़की को ये शोभा देता है कि उसकी माँ बहन की गाली दो? पहली बात जी तो जो टास्क था उसमें मैं आगे खड़ी हुई थी कि मैं आगे जाऊंगी, मैं विश मांगूंगी। उनको क्या जरूरत थी कि मेरे पास में खड़ी होके भगे? जब भगना ही था तो फिर अपने आप गिर गई है उसको, फिर लड़ाई में क्यों कर रही है? शिवानी, हिल क्या सच में बड़ी थी? हिल क्या किसी ने गिराया षड्यंत्र से उन्हें, ये बताइए आप। वो पहने थी बूट, बूट पहने थे इतने इतने बड़े, इतने तो वो बड़े? गिर गई। अच्छा, हाँ, आपके शो में पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है? अरमान मलिक? किसकी किसकी बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा किसको याद कर रही हैं शो से बाहर आकर? सबसे ज्यादा मैं याद कर रही हूँ अपनी टीम को। दो लोग हैं मेरी टीम के वहां, लव कटारिया भाई और सना मकबूल, याद तो आती है। लेकिन जो लास्ट में हुआ था उससे वो मेरा थोड़ा अनबन हो गई थी, मेरी बातचीत नहीं हो रही थी, मुझे थोड़ा खराब लगा था, उसने मुझे बोट कर दिया था। हमसे अभी कुछ दिन पहले पौलोमी दास कनेक्ट हुई थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं जानबूझ के नहीं लड़ती, मुझे उकसाया जाता है जब मैं लड़ती हूं, तो क्या आपने उकसाया उनको लड़ने के लिए? हम गए उसके यहाँ, खुद ही इतनी गाली दे रही थी तो अपने आप ही उसका क्या। आप तो समझ रहे हैं, जब एक इंसान को गाली मिलेगी, मैं वैसे भी परेशान थी, और
परेशान हो गई। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनको वाइल्ड कार्ड अगर एंट्री मिलती है इस शो में, तो वो शिवानी की बोलती बंद करेंगी और हंसी बंद करेंगी। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री में, पहली बात तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो एक बार घर से बेघर हो जाए फिर दोबारा जाए तो होता ही नहीं, तो उनकी गलत फहमी थी। और हंसी बंद करने की, जब तुम अंदर थी तब तुमको नहीं दिख रहा था कि शिवानी हंस रही क्या कर रही, अब बाहर निकल के कहने की हमें हंसी बंद करनी है। अच्छा, अरमान मलिक के बारे में आप क्या कहेंगी? अरमान मलिक, उनकी वाइफ जो है पायल मलिक, उनके बारे में क्या, उनसे कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? बॉन्डिंग, सबसे पहले लड़ाई तो मेरी उन्हीं से हुई थी, बॉन्डिंग। अब वो बिग बॉस के घर ऐसा था जहां तुम लड़ाई करके भी बोलना पड़ता था, बातचीत करनी पड़ती थी, क्योंकि अब बाहरी दुनिया में क्या होता, लड़ाई हो जाए तो बातचीत बंद हो जाती, लेकिन वहां बातचीत करनी पड़ती थी, एक साथ खाना भी खाना पड़ता था। ऐसे क्या एक्टिविटीज करते थे अरमान मलिक? क्या आपको परेशान करते थे? क्या करते थे? हम ये शिवानी के मुंह से जानना चाहते हैं। हमारे मुंह से ये जानना, वही बस ये काम करते थे, जलती आग में घी डाल दो और आग लग जाए बस। मतलब चुगली करना। जी अच्छा, मेरा आपसे अब जाते जाते आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है इस शो, ये शो कौन जीतने वाला है? मैं तो यही चाहती हूँ कुछ जो मेरे टीम के दो लोग हैं वही जीते, उसमें से कोई भी जीत जाए। अगर अरमान मलिक जीत गए फिर? जीत गए वो तो अब जनता का ओपिनियन लेने ले लेना वो खुश है या नहीं। शिवानी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ये थी हमारे साथ बिग बॉस OTT 3 से बेघर हुई शिवानी कुमार, जिन्होंने अपनी बिग बॉस जर्नी के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।